बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? आई होप कि आप सब बच्चे खैरियत से हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। शुरू करते हैं अपनी क्लास आज की। हमारे क्या है सब्जेक्ट? हमारा है बायोलॉजी। बायोलॉजी की क्लास है हमारी, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 1 है और क्लास 9th है। क्लास 9th की बायोलॉजी की बुक का चैप्टर नंबर 1 में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी की शाखें। अब बायोलॉजी क्या होती है वो हम अपनी क्लास में, पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरह, और हमें अच्छी तरह पता है जब हम बायोलॉजी सब्जेक्ट हमने चूज़ किया है और हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता है कि बायोलॉजी क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी की शाखें। बायोलॉजी की शाखों से मतलब क्या है कि ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का मुताला करने के लिए हमें बायोलॉजी को फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं, और उन ब्रांचेस का जो ब्रांचेस हैं उनको हम आज स्टडी करेंगे। आपके सिलेबस में जो ब्रांचेस दी हुई हैं वो 15 ब्रांचेस दी हुई हैं, बायोलॉजी की 15 ब्रांचेस हैं, जिनमें से कुछ ब्रांचेस मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं और इनको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप जनाब कि पूरी ब्रांचेस को हम क्यों नहीं आज स्टडी कर रहे, क्यों नहीं हम आज पढ़ रहे, या मैं आपको क्यों एक्सप्लेन नहीं कर रही पूरी ब्रांचेस? देखो बच्चों के मैं कर सकती हूँ, मैं एक ही क्लास में पूरी ब्रांचेस आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, लेकिन फ़ायदा नहीं है उसका कुछ, क्योंकि वो सब आपके सर से गुजर जाएंगी, आपको याद नहीं रहेंगी। मैंने कुछ ब्रांचेस को इसलिए लिया है कि आप मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मकसद ये है आपका समझना भी है। पढ़ा तो मैं लूँगी, टीचर्स पढ़ा तो देते हैं, लेकिन बच्चे को समझ में भी तो आना चाहिए, तो आपको समझना है। देखो मेरी एक बात आप लोग याद रखना कि जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ो उसको समझ के पढ़ो। ठीक है, ये टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको समझा रही हूँ कि जो भी आप टॉपिक का पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसको फोकस होकर समझिए। जैसे आप कोई जब ड्रामा या मूवी देख रहे होते हैं तो इतने फोकस होते हैं कि बीच में कोई दरमियान में आपसे बात करता है ना, तो आपको बुरा लगता है या आपको पता ही नहीं चलता कि वो क्या बोल रहा है, कि आप कहते हैं खामोश हो जाओ, बस वो मैं देख रही हूँ और मुझे पता नहीं चल रहा। क्यों ऐसा क्यों होता है कि आप पूरा फोकस होते हैं, फोकस होके आप देख रहे होते हैं तो पूरी तवज्जो होती है, और फिर जब आप उसको देख लेते हैं, वो ड्रामा या मूवी ख़त्म हो जाती है, तो पूरी स्टोरी आपको याद होती है कि आप उसको हिल हिल के और रट्टा लगाते हैं, जैसे टहल टहल के या वो हिल हिल के जो रट्टा लगा रहे होते हैं उस तरह कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं कर रहे होते ना। तो उसी तरह फोकस होके पढ़ा कीजिए, समझ के पढ़ेंगे सारी ज़िंदगी याद रहेगा, और आप अपने अल्फाज में उसको लिख सकते हैं, कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन जो है किसी भी टॉपिक का आपके पेपर में आ जाए। ठीक है, मेरी बात को ये याद रखिएगा, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आपको, जो भी टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको पूरा फोकस रहिए, एक नहीं दो नहीं तीन मरतबा सुनिए, देखिए आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता कि समझ में नहीं आता। चलें स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी की ब्रांचेस में। सबसे पहली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। बायोलॉजी में हमने पढ़ा था बायोस क्या था, लाइफ, और लोगोस क्या था, स्टडी, यानी ज़िंदगी के मुताले को बायोलॉजी कहते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो का मतलब होता है फॉर्म, शक्ल, स्ट्रक्चर या साख्त। ठीक है, तो और लोगों का मतलब होता है, लोगोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टडी। तो इसका जो मॉर्फोलॉजी क्या होगा, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो, बायो क्या है, लिविंग, लाइफ यानी जिंदगी के बारे में पढ़ रहे, तो बायोलॉजी की शाखें क्या होंगी, जिंदगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं हमारी अर्थ में, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो कुछ भी हैं,
उनका एक्सटर्नल फॉर्म यानी उनकी बैरूनी साख बैरूनी शक्लो सूरत के मुताले को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, आपको एक तरह से मैं इसमें डायग्राम में समझाती हूँ। ये देखो बच्चों, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये है फ्रॉग। ठीक है, ये फ्रॉग है, ये आपको नज़र आ रहा है। अब ये फ्रॉग कैसा है, इसकी स्किन कैसी है, इसकी टेल है या नहीं है, इसकी नेक है, इसकी नेक नहीं है, इसकी टेल नहीं होती, इसके फोर लिम्स हैं, जो फोर लिम्स हैं जो आगे की टांगे हैं, यानी इसकी चार टांगे हैं, जो फोर आगे की टांगे फोर लिम्स कहलाती हैं, पीछे की टांगे हाई लिम्स कहलाती हैं। लेकिन इसमें देखें कि आगे जो फोर लिम्स होती हैं वो छोटी होती हैं और जो हाई लिम्स होती हैं वो बड़ी होती हैं। यानी मैं इसकी एक्सटर्नल फीचर को स्टडी कर रही हूँ। ठीक है, अब क्या होता है कि इसी तरह कोई भी बॉडी होती है, कोई भी लिविंग, चाहे वो प्लांट है, तो प्लांट है तो उसका स्टेम कैसा है, ग्रीन है या ब्राउन है, सॉफ्ट है या हार्ड है, रूट है तो कैसी है, टैप रूट है, एडवेंटिशियस रूट है, प्राइमरी रूट है तो वो कैसी होती है, उससे रूट निकलती है तो वो कैसी होती है, फ्लावर्स हैं तो कैसे हैं, कलर कैसा है, उनकी जो पेटल्स हैं वो कितनी हैं, इस सब के मुताले को, इस सब को स्टडी करने को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब यही होता है कि एक्सटर्नल शक्ल, एक्सटर्नल फॉर्म, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी बैरूनी साख, बैरूनी जो उसकी शक्लो सूरत है, उसके मुताले को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट जो हमारी, ये हमने स्टडी कर ली, ये वाली ब्रांच जो है हमारी स्टडी हो गई। अब हमारी सेकेंड ब्रांच है, सेकेंड ब्रांच जो हमारी है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी जो है अपोजिट कर लें आप, यानी कि जस्ट अपोजिट है। ठीक है, अना, एना का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पार्ट यानी हिस्सा। ठीक है, उसके बाद है टोम, टोम का मतलब होता है काटना यानी कटिंग। एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अंदरूनी साख का मुताला, यानी उसकी इंटरनल जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको स्टडी करने को एनाटॉमी कहते हैं। किस तरह करते हैं, कैसे स्टडी करते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। अभी डेफिनेशन क्या होगी इसकी, इसकी डेफिनेशन होगी द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय कटिंग देम ओपन। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स, द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग देम ओपन। यानी किस मॉर्फोलॉजी में क्या था कि हम एक्सटर्नल पार्ट्स, एक्सटर्नल फीचर को स्टडी कर रहे थे। जैसा अपोजिट कर लो इसको, तो किसी भी बॉडी, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, लिविंग जो बॉडी होती है उसकी इंटरनल पार्ट्स को काट कर उसका मुताला करना एनाटॉमी कहलाता है। जैसे मैंने आपको अभी ये बताया कि मैंने आपको एक एनिमल बताया कि ये आपके पास क्या है, फ्रॉग है। ठीक है, ये आपके पास फ्रॉग है, ये इसका आप इसका स्ट्रक्चर मालूम कर रहे हैं, वो क्या है, मॉर्फोलॉजी है। अब इसी फ्रॉग को हमने क्या किया, इसको डाइसेक्ट कर दिया, नज़र आ रहा है ये, इसको ये डाइसेक्ट कर दिया। अब इसको डाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर से इसके जो है इंटरनल पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, यानी इसको काटा ना, इसकी स्किन की कटिंग की है हमने, कटिंग करके अब इसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं उसको स्टडी करना क्या कहलाएगा, एनाटॉमी कहलाएगा। एनाटॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है
जिसमें हम किसी भी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को स्टडी करते हैं, कटिंग करके, काट के, जब तक बॉडी के पार्ट नज़र नहीं आएंगे, जब तक कि आप उसको कटिंग नहीं करेंगे कैसे नज़र आएंगे, फिर उनको स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है। तो हमारा ये वाली जो है हमारी, ये भी हमारी हो गई, ये भी हमने डिस्कस कर ली। अगली जो हमारी जो ब्रांच है वो है सेल बायोलॉजी, ठीक है। अब सेल बायोलॉजी क्या है भाई? सेल बायोलॉजी की डेफिनेशन ये है, द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स, ठीक है, द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स। अब सेल क्या होता है ये आप एक क्लास में अच्छी तरह पढ़ के आ चुके हैं, बहुत से बच्चे जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं उनको अच्छी तरह पता होगा कि सेल क्या होता है। मैं यहाँ पे एक सेल बना देती हूँ, ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है। सेल के तीन मेजर पार्ट्स होते हैं, ये जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन होता है, ये क्या है साइटोप्लाज्म, और ये है न्यूक्लियस, ठीक है। ये तीन जो है मेन पार्ट होते हैं सेल मेम्ब्रेन, ये बीच का हिस्सा जो साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस, ये एक सेल है। अब डेफिनेशन क्या है, द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स। आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उनकी उनकी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी हुई होती है, यानी लाखों सेल मिलकर काम कर रहे होती है, और सेल स्ट्रक्चर भी बना रहा होता है और फंक्शनल यूनिट भी है, यानी फंक्शन भी कर जो है वो कर रहा होता है, काम भी कर रहा होता है और स्ट्रक्चर भी बना रहा होता है। अब सेल तो ये हो गया, अब क्या आ गया उसके ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, उर्दू में इनको कहा जाता है उजुए और इंग्लिश में इनको कहते हैं ऑर्गेनल्स। अब ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, जरा बड़ा सेल बना देती हूँ ताकि आपको नजर आए, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। अब ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, सेल एक फंक्शनल यूनिट भी है, तो सेल अपना फंक्शन परफॉर्म कैसे कर रहा होता है कि इसके अंदर मुख्तलिफ उजुए या मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। जैसे इसके अंदर ये पाया जाता है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, पता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद ये पाए जाते हैं, ये गॉल्जी बॉडीज हैं, गॉल्जी बॉडीज कहलाती हैं। फिर यहाँ पे कुछ साख्ते पाई जाती हैं इस तरह की, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, ठीक है, इसी के ऊपर एक छोटी सी इस तरह की साख्ते पाई जाती हैं, इनको राइबोसोम कहा जाता है। ये सारे बेशुमार जो है, इनके अलावा और भी होते हैं, जब आप सेल पढ़ेंगे तो उसको डिटेल से मैं पढ़ाऊंगी, छोटी क्लास में भी, क्लास 7, 8 और 6 में भी आप ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। नहीं पढ़ के पढ़ा है और भूल गए हैं तो मैंने आपको थोड़ा रिमाइंड करवाया है। तो इन सब का अलग अलग फंक्शन होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये क्या काम कर रहा होता है, गॉल्जी बॉडीज क्या काम कर रही होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या काम कर रहा होता है, राइबोसोम क्या काम कर रहा होता है। ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर इस तरह का धागे पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46 होते हैं, और क्रोमोसोम किससे बन के बने हुए जो है बनते हैं, डीएनए से बने हुए होते हैं। डीएनए क्या होता है, डीएनए में जीन क्या होते हैं, और इसके अलावा
इस स्टडी में, ये तो सेल की स्टडी हो गई, ये इसके ऑर्गेनल्स की स्टडी में बना मैंने आपको बताई। इसके अलावा क्या होता है कि सेल की डिवीजन भी जो है वो सेल बायोलॉजी में शामिल है, यानी द स्टडी ऑफ सेल, यानी पूरे सेल की स्टडी और उसके ऑर्गेनल्स की, कि सेल डिवाइड कैसे होता है, यानी एक सेल से दो डॉटर सेल किस तरह बन रहे होते हैं। सेल डिवीजन भी आप पढ़ के आ चुके हैं कि दो किस्म की सेल होती है हर। अच्छा, मेरे सेल में आपको क्रोमोसोम 46 बताए, तो पूरी बॉडी में 46 क्रोमोसोम नहीं होते होते हैं सिवाय स्पर्म और एग के। जो गैमिट्स होते हैं, जो हमारे होते हैं, उनमें, उनके बनने में स्पर्म और एग में 46 क्रोमोसोम नहीं होते, बाकी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं उनमें 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो सेल की डिवीजन, सेल कैसे डिवाइड होता है, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो क्या फंक्शन जो है वो कर रहे होते हैं, उन सब की स्टडी को सेल बायोलॉजी कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको याद रखिएगा और अपने अल्फाज में लिखने की इसको कोशिश कीजिएगा। रट्टा नहीं लगाइएगा, रट्टा भूल जाता है, एक वर्ड भी आप भूलेंगे पूरा भूल जाएंगे। ये वाला भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास है बच्चों, क्या है, हिस्टोलॉजी। हिस्टो इसका मतलब होता है बच्चों टिश्यू, टिश्यू। हिस्टो का मतलब क्या होता है, टिश्यू। अब टिश्यू क्या होते हैं थोड़ा याद करो, हाँ याद आ जाएगा, थोड़ा याद करो कि टिश्यू क्या होते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी सिमिलर सेल जो होते हैं वो ग्रुप की शक्ल में कोई एक फंक्शन कर रहे हो तो वो क्या कहलाते हैं, टिश्यू कहलाते हैं। ये आपने पढ़ा, सेल होता है, सेल से टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम से फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। ये भी आप 6 से लेके 8 तक पढ़ चुके हैं, नहीं भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, दोबारा बता दिया जाएगा आपको, लेकिन आपका काम याद रखना है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल, यानी एक सेल्स का ऐसा ग्रुप जो कि सिमिलर सेल होते हैं, एक जैसे सेल होते हैं, कोई एक फंक्शन कर रहे होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और आपको पता है हिस्टोलॉजी, लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। किसकी स्टडी, टिश्यूज की स्टडी। तो टिश्यू किसके होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन शामिल है, प्लांट और एनिमल शामिल है, ठीक है। तो क्या होगा, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल के टिश्यूज का स्टडी करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टो के माने ही टिश्यू के होते हैं, समझ के पढ़ेंगे तो अपने अल्फाज में आसानी से लिख सकेंगे। तो जनाब बच्चों, हिस्टोलॉजी भी हो गई। अब आते हैं हम फिजियोलॉजी। फिजियो, फिजियो इसके क्या मायने होते हैं, इसका मतलब होता है फंक्शन। लॉजी का मतलब लोगोस, स्टडी करना। किसकी स्टडी करना, हम किसकी, बायोलॉजी पढ़ रहे ना, बायोलॉजी क्या है, लिविंग थिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब लिविंग जो हमारे पास लिविंग थिंग है, लिविंग बॉडी है, कौन है, प्लांट और एनिमल है। तो प्लांट और एनिमल के फंक्शन, फंक्शन को स्टडी करना। तो डेफिनेशन पहले लिख देती हूँ मैं, मीनिंग बताऊंगे, डेफिनेशन खुद पता चल जाएगी। द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग को ले लेते हैं, चले मुझे ही ले लें। अब क्या है, फिजियोलॉजी फंक्शन है,
आ आंख है, आंख का काम क्या है? देखना। आंख कैसे देखती है, यानी आंख का फंक्शन क्या है, आंख कैसे अपना काम कर रही होती है, देखने का अमल कैसे हो रहा होता है, इसका मुताला। ठीक है, फिर जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, किडनी है, किडनी कैसे फंक्शन कर रही होती है, लिवर है तो लिवर कैसे काम कर रहा होता है, स्टमक है, मैदा, उसका क्या काम है, डाइजेशन में हेल्प करना, यानी जो हमारा हाजमे का निज़ाम है, डाइजेशन है, उसमें हेल्प करना किसका काम है, स्टमक का काम है। तो इन फंक्शंस को स्टडी करने को कहा जाता है फिजियोलॉजी। ठीक है, समझ में आया, चलें आगे चलते हैं। फिजियोलॉजी भी हो गई बच्चों, अब आते हैं हम टैक्सोनॉमी। टैक्सा, टैक्सा का मतलब होता है अरेंजमेंट। और नोम, नोम का मतलब होता है नेम, यानी नाम। टैक्सोनॉमी याद रखिएगा, पूरा आपका एक चैप्टर भी है इसमें, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट हो, उनकी क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन क्यों गई, उनको छोटे छोटे ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड किया गया, उनको ग्रुप में और सब ग्रुप में डिवाइड किया गया। क्यों डिवाइड किया गया, ताकि उनको स्टडी करना आसान हो, हमें उनका मुताला करने में आसानी हो, उनको नाम देना। सपोज अगर आपका कोई नाम ही नहीं होता, आपको कैसे पहचानते लोग, आपकी शनाख्त कैसे होती। तो इसी तरह जितने भी एनिमल्स हैं और जितने भी प्लांट्स हैं, उनको नाम देना और उनकी ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करना और उनकी क्लासिफिकेशन करना क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं लिख देती हूँ। द स्टडी ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी वो क्या रूल्स हैं, वो क्या कवानीन हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिसकी मदद से हम किसी भी जानदार को उसका नाम देते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, उनके मुताले को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तमाम प्लांट्स हैं, जैसे आप ले लें एनिमल को ले लें, फ्रॉग, फ्रॉग को हम स्टडी करते हैं, तो फ्रॉग का नाम है राना टिग्रिना, जैसे हमारा नाम है उस तरह फ्रॉग का भी नाम है राना टिग्रिना, उसको नाम दिया गया। अब जो राना टिग्रिना दिया गया, इसका नाम है राना और है टिग्रिना। ठीक है, इसको यूं कर लेते हैं, राना टिग्रिना। अब राना टिग्रिना में राना किसको शो करता है, टिग्रिना किसको शो करता है, पहला लेटर कैपिटल क्यों होता है, दूसरा स्मॉल क्यों होता है, ये तमाम रूल्स और प्रिंसिपल्स, इन सब का मुताला करना के नाम कैसे दिया जाता है, फाइलम है, क्लास है, सब फाइलम है। इसी तरह अगर हम उसको ले लेते हैं अपने सदाबहार के पौधे को, तो उसका नाम क्या है, विंका रोजिया है। ठीक है, अब सरसों का पौधा हम स्टडी करते हैं, तो वो प्लांट है, उसका नाम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस है, तो वो नाम कैसे दिया गया, वो नाम प्लांट्स को, एनिमल्स को नाम कैसे दिया जाता है, उनको किस फाइलम में, किस ग्रुप में रखा जाता है और किस ग्रुप से वो छोटा सब ग्रुप बना है, ये तमाम मामलात को, इन तमाम चीज़ों को स्टडी करना जो कहलाता है, वो कहलाता है टैक्सोनॉमी। ये भी हो गया। अब हम आ जाते हैं आगे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जीन, जीन के बारे में पढ़ा होगा एट क्लास में, बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जो
जो 8th क्लास में ही 9th का सिलेबस भी कुछ पढ़ा देते हैं, और हमारी अपनी जो साइंस की बुक्स है वो तो बहुत ही अच्छी है, उनमें तो आपने बहुत डिटेल से पढ़ा है कि जीन क्या होते हैं। ठीक है, अब जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में आप देखें द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, विरासत, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी यानी विरासत का मुताला करना। तो क्या क्या कह क्या कहा जाएगा कि विरासत का मुताला करना, तो इसमें क्या होगा कि कैरेक्टर्स का, ठीक है, कैरेक्टर्स ट्रांसफरिंग फ्रॉम पेरेंट्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी खुसूसियात का वालदेन से उनकी औलाद में कैरेक्टर्स का या खुसूसियात का वालदेन से उनकी औलाद में मुंतकिल होना क्या कहलाता है, हेरिडिटी यानी विरासत, और उसका मुताला जेनेटिक, जेनेटिक्स में क्यों जीन वो जो कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करते हैं औलाद में वो कौन करते हैं, जीन करते हैं। अब जीन क्या है, ये क्या है, क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स है। इस क्रोमोसोम कैसा होता है, क्रोमोसोम यूं होता है, ये क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम को एक धागे को मैं निकाल लूं, ये धागा जैसे थ्रेड होता है, थ्रेड लाइक होता है, तो अब यहाँ पर इस तरह एक साखते लगी हुई होती हैं, ये कहलाते हैं जीन। जब आप जेनेटिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे और मैं आपको ये सब टर्म्स पढ़ाऊंगी डिटेल से, तो उस वक्त आपको समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ आपने इतना ही समझना है कि डिफरेंट कैरेक्टर्स का, यानी इसका ताल्लुक विरासत से है, डिफरेंट कैरेक्टर्स का पेरेंट से उनकी औलाद में ट्रांसफ़र हो जाना, इसके मुताले को जेनेटिक्स कहते हैं। जैसे आँखों का रंग यानी आइज का कलर है, और बालों का कलर है, आवाज़ बात बहुत मिलती है, शक्ल बहुत मिलती है, और बाज़ ऐसी कुछ डिजीज़ होती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, जो पेरेंट्स से उनके औलाद में मुंतकिल होती हैं, तो इस सब के मुताले को स्टडी करने को जेनेटिक्स कहा जाता है। तो बच्चों कुछ जो आपकी 15 आपके सिलेबस में बायोलॉजी की ब्रांचेस दी हुई हैं, उनमें से मैंने 7 जो है आज डिस्कस की हैं, पूरी नहीं की है, जो बाकी रह गई हैं वो नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगी। वजह सिर्फ ये थी कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इसको मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करने से ये होगा कि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो जाएगा जो कि कोचिंग सेंटर नहीं जा सकते, स्कूल्स का आपको पता है कि बंद है, अभी फिर अनाउंसमेंट हुई है कि नहीं अभी खुलेंगे स्कूल, तो पढ़ना कैसा है, पढ़ना तो फिर ऐसे ही है ना, तो उन बच्चों को भी बताइए जो ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगी है, और कोई चीज़ समझना चाहते हैं, कोई क्यूरी है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह।